everyone, welcome back to our channel Tri-City Property Guru. So today I'm here in Sector 125 Mohali, जहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक duplex 3 BHK villa, which is built under 100 square yard. विला में अंदर ले जाने से पहले मैं आपको आउटर स्पेस दिखा देती हूँ. विला के सामने जो आपका रोड रहने वाला है, ये 60 फीट वाइड रोड रहने वाला है. एंड आसपास अगर आप देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे विलाज जो हैं वो बने हुए हैं एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिजाइडिंग हैं. एंड बात करेंगे हम कनेक्टिविटी की, तो ये आपका 125 सेक्टर है, विच इज़ कनेक्टेड टू PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जहाँ से आप ईजिली किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सिटी के लिए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. एंड बात करेंगे नियर बाई हॉटस्पॉट्स की, तो ये जो आपका लोकेशन है ये KFC से बहुत नज़दीक है, तो KFC के साथ आपको VR मॉल भी बहुत नज़दीक पड़ जाता है एंड स्कूल कॉलेजेस भी आपके सारे नियर बाय में यहाँ पे आ जाएंगे. सो आइए चलते हैं अंदर. बट अंदर जाने से पहले आप आउटर एलिवेशन देख लीजिए, विद ब्राउन ब्लैक एंड वाइट थीम, वेरी वेरी ब्यूटिफुल आउटर एलिवेशन. लाइक आप जितने कलर्स बाहर देख रहे हैं ना, अंदर से ये विला और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है. एंड एंट्री में ही सबसे पहले आपको यहाँ पे दो गेट मिल जाते हैं. आइए चलते हैं अंदर. सो आप विला में एंट्री कर सकते हैं थ्रू दिस गेट, दो गेट मिल जाएंगे आपको. एंड एंट्री करते ही आपको बाहर में भी काफ़ी एरिया मिल जाता है, लाइक ओपन स्पेस आपको काफ़ी मिल जाता है, आप इसको पार्किंग के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे भी आपका स्पेस आ जाता है, तो लाइक आपकी 3 गाड़ियाँ ईजिली अंदर पार्क हो सकती हैं. एंड अगर आप चाहेंगे तो आप बाहर प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर सिटिंग स्पेस भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे. सो आइए अब चलते हैं विला के अंदर. विला में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे दो डोर मिल जाते हैं, एक आ जाएगा आपका ग्लास प्लस मैश डोर एंड एक आ जाएगा आपका मेन वुडन डोर. एंड ये भी आपका काफ़ी ब्यूटीफुल डोर रहने वाला है, जिसमें आप ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं. एंड बीच में इसमें ना काफ़ी अच्छी रोज गोल्ड की नैनो कोटिंग भी आ जाएगी, तो काफ़ी अच्छा आपको ये मेन डोर यहाँ पे मिल जाता है. तो आइए चलते हैं अंदर. सो दिस इज आर द ब्यूटीफुल विला बिल्ट अंडर 100 स्क्वायर यार्ड. आप सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे ये ड्राइंग डाइनिंग स्पेस अपना देख सकते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन. सबसे पहले आप ये वॉल ही देख लीजिए, जिसपे वुडन का वर्क करके, मार्बल का यूज़ करके, लाइक काफ़ी अच्छा वॉल इन्होंने यहाँ पे क्रिएट करा है, जहाँ पे इसको आप एज अ LED पैनल यूज़ कर सकते हैं. एंड पीछे जो ये वॉल आप देख रहे हैं ना, इसमें टेक्स्चर यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा. एंड नीचे भी आप देख सकते हैं, लाइक बहुत ही डिफरेंट सा कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है. ऊपर आप पूरा फॉल सीलिंग देखेंगे विद द कंसील्ड लाइट्स एंड LED लाइट्स. ये सारा आपका एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाला है, विच इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल. इस साइड का वॉल देखेंगे आप, ये आपको प्लेन लग रहा होगा बट ये प्लेन नहीं है, इस पर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है. एंड मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ऊपर फॉल सीलिंग में आप वुडन का वर्क भी देख सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल दिस झूमर, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके विला के अंदर. एंड इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा किचन. सो ये है हमारा आज का किचन, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस किचन है, स्पेस का आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है. टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, आप यहाँ पे अपर कैबिनेट्स देख सकते हैं, ये आपका पूरा ग्रेनाइट का कुकिंग काउंटर आ जाएगा. लोअर कैबिनेट्स आपके डिफरेंट लेआउट के साथ आ जाएंगे विद सॉफ्ट क्लोजर. एंड इस साइड आ जाएगा आपका ड्रिल सिंक, जो कि आपका साउंड प्रूफ रहने वाला है फर्स्ट तो. एंड इसके साथ आपकी यहाँ पे ये विंडो भी देख सकते हैं फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन. एंड यहाँ पे आपके गीजर के लिए एंड RO के लिए भी स्पेस दिया गया है. एंड किचन में भी आपका पूरा फॉल सीलिंग आ जाएगा ऊपर विद कंसील्ड लाइट्स. सो ये था हमारा किचन ड्राइंग डाइनिंग. अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ, तो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको एक रूम मिल जाता है. सो लेट्स कम टू दिस साइड. सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम. सबसे पहले आप ये वॉल देखिए रूम का, इस पे ना इन्होंने स्टोन का यूज करा है. आपको लग रहा होगा शायद ये वॉलपेपर है या फिर टाइल का यूज किया गया है, नहीं, इस पे पूरी ही वॉल पे स्टोन का यूज किया गया है. एंड ये मुझे इस घर में बहुत ही डिफरेंट चीज देखने को मिली है. एंड इस वॉल पे अगर आप देखेंगे, फर्स्टली पीछे तो ये टेक्स्चर्ड वॉल है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा LED पैनल क्रिएट किया हुआ है विद द वुडन, लाइक ये भी काफी अच्छा लग रहा है रूम में. एंड अगर आप स्पेस का भी आइडिया लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये आपका पूरा ही रूम. एंड कबर्ड आपके रूम में नहीं रहेंगे, कबर्ड के लिए आपका डिफरेंट स्पेस आ जाएगा. सो कबर्ड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे.
इस साइड आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल, जिसमें स्टोरेज के लिए भी आपके पास स्पेस आ जाता है। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग। सारी जितनी भी आप फिटिंग्स देख रहे हैं ये आपकी सिरा की वो रखी है यहाँ पे। एंड मिरर आपका एज इट इज रहेगा, लाइक जितनी भी चीजें आप इस घर में देखेंगे ना वो सारी आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाली है। एंड वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो भी आ जाता है यहाँ पे। एंड गाइस इसी रूम से आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है, सो आप ये भी देख लीजिए एक बार, काफी अच्छा स्पेस दिया गया है यहाँ पे, तो आप वॉशिंग के पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए दो टैप्स भी प्रोवाइडेड हैं। सो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आप जा सकते हैं इन स्टेयर्स के थ्रू, जिन पे आपका पूरा मार्बल का यूज कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा टेक्सचर्ड वॉल आ जाएगा आपका, इसमें वुडन का भी यूज किया गया है, नीचे आपका वॉलपेपर आ जाएगा। एंड इसमें आप लाइटिंग भी देख सकते हैं, काफी अच्छे से पूरा ही डिजाइन किया है। एंड इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वुडन का काफी अच्छा वर्क यूज किया गया है। तो आइए चलते हैं ऊपर। एंड गाइज आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे आप ओपन स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ से लाइट आपके जो ये स्टेयर्स हैं एंड आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ईजिली आती रहेगी, लाइक वेंटिलेशन का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड कमिंग टू आवर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे सबसे पहले आप ये ओपन स्पेस देख सकते हैं, आप एज अ लिविंग स्पेस इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप फ्लोरिंग जितना भी देख रहे हैं सारा वुडन रहने वाला है। ऊपर आपका फॉल सीलिंग आ जाएगा कम्प्लीट विद अ कंसील्ड लाइट। पीछे का वॉल आप देखेंगे इसमें वॉलपेपर यूज किया गया है, एंड देन इसके ऊपर ग्लास यहाँ पे प्लेस किया गया है विच इज लुकिंग क्वाइट डिफरेंट। एंड आपके फर्स्ट फ्लोर पे दो रूम्स रहने वाले हैं आपका, एक आपका इस साइड आ जाएगा एंड एक आपका उस साइड। सो अगेन आप यहाँ पे भी ये वॉल देख सकते हैं, इसमें भी आपका स्टोन वर्क आ जाएगा इस वॉल के ऊपर। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपका LED पैनल आ जाएगा विद वुडन वर्क, लाइक काफी अच्छे से तीनों ही रूम डिजाइन किए गए हैं। तीनों ही रूम का जो स्पेस है ना वो काफी अच्छा दिया गया है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं विद कंसील्ड लाइट्स, काफी अच्छा लग रहा है। एंड यहां से भी आपको यूटिलिटी एरिया मिल जाता है बाहर, लाइक यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा स्पेस दिया गया है विद टू टैप्स, तो आप यूटिलिटी के लिए या वॉशिंग के पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको स्टेयर्स मिल जाती है आपके रूफ टॉप के लिए। And coming to this side, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉकिंग क्लोजेट, जहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे, आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा और आपका वॉशरूम। आपके कबर्ड्स आ जाएंगे काफी अच्छे लेआउट के साथ, पूरे वॉल हाइटेड कबर्ड मिल रहे हैं आप ऊपर तक देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका लाइटिंग प्रॉपर आ जाएगा, ये आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है। एंड यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग, सारा मिरर वगैरह सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा। वॉल पे आप टाइलिंग देख सकते हैं, फ्लोरिंग भी आपका सारा एंटिस्किट रहने वाला है। सो ये था हमारा सेकेंड रूम, अब चलते हैं हमारे थर्ड रूम में जो उस साइड रहने वाला है। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, लाइक ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे, मैंने आपको नीचे से दिखाया था कि वुडन का यूज करके एंड उसमें लाइटिंग ऐड करके काफी अच्छा जो डिजाइन उन्होंने क्रिएट किया है, तो वही डिजाइन आपका यहाँ तक आता है विच इज लुकिंग वेरी गुड। सो ये आ जाता है हमारा थर्ड रूम, इसमें भी आप स्पेस देख सकते हैं। पीछे आपका पूरा वॉलपेपर का डिजाइन आ जाएगा, इसको आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं या फिर आपका किड्स रूम यूज कर सकते हैं। ऊपर इसमें फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी डिफरेंट दिया गया है, वुडन का वर्क भी बीच में यूज किया गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। एंड सामने आ जाएगा आपका LED पैनल, जहाँ पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ भी आपको बाहर यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस कम बालकनी मिल जाता है। सो ये आ जाता है बालकनी। एंड गाइज इस घर का जो आउटर लेआउट है ना, जो इस घर का एलिवेशन है, उसमें ना लाइटिंग का काफी अच्छा यूज किया गया है, लाइक पूरा ब्लैक एंड ब्राउन व्हाइट थीम रखा गया है एंड लाइटिंग का काफी अच्छा यूज किया गया है। तो अगर नाइट में आप इसका लुक देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है इसका। एंड ये बालकनी आपको फ्रंट वाली बालकनी मिल जाती है, जिसमें रेलिंग भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट के साथ आपको मिल रही है, तो ये आपकी फ्रंट की बालकनी आ जाएगी। एंड इस साइड आ जाएगा आपका कवर्ड एरिया एंड आपका वॉशरूम स्पेस।
सो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट स्पेस मिल रहा है फॉर योर कबर्ड्स. आप देख सकते हैं फुल वॉल लेंथ के कबर्ड आ जाएंगे आपके. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल, जिसमें नीचे स्टोरेज के लिए भी आपके पास स्पेस आ जाएगा. लाइक सारे ही रूम्स में आपका जो ये ड्रेसिंग एरिया है ना एंड कबर्ड एरिया काफी अच्छा बनाया गया है. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, अगेन विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग. नीचे आप यहाँ पे आपको सारा मार्बल का फ्लोरिंग मिल रहा है. वॉल लेंथ में पूरे आपके टाइल्स आ जाएंगे. ऊपर आप लाइटिंग देख सकते हैं, पूरी प्रॉपर हो रखी है. सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम. So guys, this was our 3 BHK duplex villa built under 100 square yard. East facing villa रहेगा ये आपका. And अगर मैं location connectivity की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल perfect मिल रही है. सारी चीज़ें आपको यहाँ पे nearby में मिल जाएंगी. And जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस villa के अंदर लगी है ना, वो है इसकी finishing. Like चाहे जितना भी मर्जी इसमें वर्क हुआ हो, वुडन का, मार्बल का यूज़ हुआ है, लाइक काफ़ी चीज़ें और भी हैं, बट उनकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है. एंड अगर मैं साइज़ की भी बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस है ये पूरा ही विला आपका. एंड सारे ही रूम्स जो हैं वो भी आपके स्पेशियस आ जाएंगे. आपके कबर्ड एरिया जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे सभी में ही. तो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है मतलब ये, एंड काफ़ी अच्छा विला आ जाता है. तो आपको ये विला कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टाटा बाय. बाय. अगर आप इस विला को परचेज करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं.